हेलो गाइस, आपका हार्दिक स्वागत है कार फोर्स सिमुलेटर 2023 के सेकंड एपिसोड में। ये हम भाई अब मार्केट चलते हैं और कार मार्केट से कुछ कारें लेके आते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट एपिसोड में सारी कारें सेल करनी थी। भाई कार मार्केट तो बंद है यार, नेबरहुड में चलते हैं, नेबरहुड में देखते हैं क्या है। भाई नेबरहुड में आ चुके हैं, हम इस बंदे से पूछते हैं कितने रुपये में बेच रहे हैं। भाई भाई तो 16,000 में बेच रहे तो बहुत भाड़ है। अब चलते हैं दूसरे बंदे के पास, उससे पता करते हैं कि कितने में अपनी कारें बेचे हैं। वो दूसरा बंदा है वहाँ, आज भी दूर खड़ा है। दो क्राउड पहुँचते इसके पास, देखते हैं क्या कह रहा है, कितने रुपये बेचेगा। भाई से बात करते हैं, अरे बंदा नहीं तो बंदी है यार, 8,700 अभी भी बजट से बाहर है, फटाफट टीचर के पास चलते हैं। ये क्या कह रहा है तू, फिर ये भी यार बजट से बाहर कह रहा है, अभी हम बार्गेन कर ही नहीं सकते यार, कब तक हम बार्गेन करेंगे। फटाफट बार्गेन का ऑप्शन खुले अपना, फिर हम भी फटाफट रेट कम डालें। नया तो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बंदे यहाँ तो बहुत खरीद के जा रहे हैं क्या। भाई चलते हैं तीसरे बंदे के पास, इस कार का रेट पूछते हैं इस बंदे से। बंदा बहुत उदास लग रहा है यार, इसका रेट सही है भाई, अभी खरीद लेंगे इसी गाड़ी। भाई रेट तो सही लग रहा है, इसको बाय कर लेते हैं फटाफट। भाई इसको लेके चलते हैं अपने गैराज से, इसको रिपेयर वेयर करवाते हैं और इसको बनाते हैं एकदम बेस्ट। चलो भाई चला के चलते हैं। भाई हम इसके अंदर बैठ चुके हैं, चालू कर दिया है और इसे लेके जा रहे हैं फटाफट गैराज पे। भाई ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी इस कार के साथ, अब हमें चलते हैं भाई ऑफ रोडिंग करते हैं, ऑफ रोडिंग में मजा लेते हैं यार। भाई इन कार से दिल की बड़ी अच्छी लगती है यार, चलते हैं फटाफट। भाई कोई और बंदा भी लेके जा रहे हैं यहाँ से कार को, भाई चलते हैं किस डायरेक्शन में अपना आ गया राज, इसी डायरेक्शन में चल रहा, इसी डायरेक्शन में चलते हैं फटाफट सीधा। भाई हम पहुंच चुके हैं रोड पे, अब इस रोड पर फटाफट हमें सीधा लेके जाना है अपने गैराज की तरफ। भाई हम पेट्रोल पंप पे तो आ चुके हैं, थोड़ा ही दूर है ये। भाई अपना पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, गाड़ी को वॉश करवा लेते हैं गैराज में लेके जाते हैं, क्योंकि कुछ ख़राब रहा तो पाया नहीं, यहाँ वॉशिंग ही करवा लेते हैं कार वॉश। भाई भाई $50 लेगा अपने एपिसोड वाला रेट। ये कार वॉश हो रही है, जब तक वॉश होती है आप फटाफट लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ गाइस, हम 1,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं प्लीज़ गाइस। कार वॉश होने के बहुत टाइम लग गया, ये कार वॉश हो चुकी है, हम फटाफट चलते हैं कार में बैठते हैं, लेके चलते हैं अपने शोरूम। ये भाई हम कार में आके बैठ चुके हैं, अब इसको बाहर निकालते हैं आराम से, उसे शोरूम की तरफ लेके चलते हैं। भाई हमने बाहर निकाल दी है, भाई बच गई थोड़ी सी ठुकने से, उसको शोरूम की तरफ लेके चलते हैं। भाई शोरूम ये अपना ज़्यादा दूर नहीं, भाई ये अपना टो ट्रक ये शोरूम भाई पूरा ही आ गया। भाई आ चुका है अपना शोरूम HK Kings। भाई इसके अंदर लगाते हैं, पिक्स लेंगे कुछ और इसको सेल करने डालेंगे फटाफट, और आज का हमारा फटाफट फास्ट सेल करेंगे, फिर चलेंगे दोबारा दूसरी कार से भी। भाई हम कार से बाहर आ चुके हैं, अब अपना टैबलेट निकालते हैं और इसमें फ़ोटोज लेते हैं। भाई पिक्चर्स में पहले पिक्चर डिलीट करता है भाई, तो इसकी स्टोरेज फुल हो जाएगी अपनी टैबलेट की। भाई हमने पिक्चर खोल लिया, इसके फोटोज़ लेते हैं कुछ और फटाफट से ही साइड पे डालते हैं अपने वेब पेज पे। भाई हमने पिक्चर्स ले लिया, अपना वेब पेज खोल लिया है, इसमें भाई अमाउंट डाल लेते हैं अपना 6,000 के अप्रोक्स, फोटोज़ डाल देते हैं भाई कुछ, फर्स्ट फोटो ये रहेगी भाई, सेकंड ये और थर्ड ये रहेगी भाई, और इसे डालते हैं सेल पे। भाई हम आज की हमारी पहली कार सेल पे जा चुके हैं, देखते हैं भाई कस्टमर्स कब तक आते हैं, फटाफट ऑफिस में चलते हैं थोड़ा, देखते हैं वेट करते हैं कस्टमर्स के आने का और देखते हैं कस्टमर्स कब तक आते हैं। भाई हम ऑफिस में आ चुके हैं, कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं, 7:52 हो चुके हैं भाई।
भाई ये आज का दिन भी अपना बीत चुका भाई, कोई कस्टमर नहीं आया, शॉप बंद करते हैं, चलते भाई अपने घर सोते हैं और अगले दिन और अच्छे माइंड से आएंगे और अपनी कार को सेल करेंगे। ये भाई हमने घर में आ चुके हैं, कंटेनर सो चुके हैं भाई, हमारा आज फर्स्ट डे का भाई लॉस है $1,663 भाई, इसलिए है क्योंकि हमें $1,500 का भाई हमने वो ले लिया टैबलेट। भाई अपना कंटेनर बंद करते हैं, चलते हैं। आज हमारा नेक्स्ट डे हमारा शुरू हो चुका है, आज है ट्यूजडे, सेकेंड डे हमारे वर्क का। भाई हम ऑफिस पहुँच चुके हैं ना, ऑफिस खोलने का टाइम हो चुका है, अपनी कार भी अपनी सेल के लिए है ही आज भी। ये भाई कूड़ा कौन करके चला गया, इस कूड़े को साफ करते हैं फटाफट गाइस और अपने शोरूम को खोलते हैं अच्छे तरीके से। भाई और कहीं कचरा वचरा तो नहीं चेक कर लेते हैं भाई? नहीं, और कहीं कचरा नहीं भाई, कार और कहीं स्क्रैच उक्रैच तो नहीं मारा भाई? नहीं भाई, किसी ने कोई स्क्रैच उक्रैच नहीं मारा है भाई। वो ऑफिस खोलते हैं अपना भगवान श्री राम का नाम लेके। भाई हमने ऑफिस खोल दिया है, अब कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे, वेट करते हैं कस्टमर्स कब तक आते हैं, कस्टमर्स आए फटाफट हम इसको सेल करें, अपनी सेकेंड कार लेके आए अपनी कलेक्शन में तो उसको भी सेल करें भाई। चलो भाई ऐसे घूमते हैं, उधर कस्टमर्स नहीं आते जब तक, उधर घूम के चेक कर लेते हैं आस पास अपने क्या है। भाई चलते कार मार्केट देखते हैं, कार मार्केट में कोई नई कार प्लॉट आई है तो वो भी ले लेंगे। भाई कार मार्केट खुला है तो चेक करते हैं कार मार्केट, भाई से बात करते हैं रेट कितना है सर। मैम 14,700 कुछ भाई, इस बजट में नहीं है भाई। भाई तीसरे बंदे से बात हो रही है, दूसरे बंदे से बात हो रही है अपनी 78,000, यहाँ तो बहुत महंगी कार है, इससे अच्छा तो नहीं बोल रहे अपनी, यहाँ पर कार बहुत सस्ती मिल जाती है। भाई इनसे भी बात करके देख लेते हैं, 37,000 है भाई इनका तो, यार इनका तो बहुत हाई फाई रेट है। मैम मस्टैंग मस्टैंग जी टी भी थी, हाँ बोलो मस्टैंग जी टी का तो भाई ऐसी हाई फाई रेट होगा जो उस लेवल पे नहीं आ रही मस्टैंग ब्यूटी जो है, फटाफट हम भी बहुत जल्दी उस लेवल पे आ जाएंगे फिर मस्टैंग ब्यूटी जैसे। भाई इनसे बात करते हैं, इनकी कार भाई थोड़ी बजट में है, बाय कर लेते हैं तो इसे ले कर चलते अपने शोरूम पर। भाई हमने एक कार बाय कर ली है, इसमें बैठते हैं भाई से ले कर चलते हैं अपने शोरूम पर, उसको थोड़ा वॉश वॉश करवा के उसको भी सेल पर लगाते हैं। भाई निकल चुके हैं कि भाई सामने खड़े यार, रास्ता तो दे दो यार, यहाँ से निकले कैसे? चलो कार में दोबारा बैठ चुके हैं भाई, निकले कैसे यार? ये बड़ा अजीब है यार, गाड़ी को पीछे लेके जाना पड़ेगा क्या भाई? हट जा यार, हट जा यार, हटे भाई, तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे, हमें तो साइड में से लेके जाना पड़ेगा क्या भाई? उस कार में ठीक है, पैसे से ना मिले नहीं भाई, नहीं ठीक, चलो चलते हैं फटाफट शोरूम पर। भाई हम शोरूम के लिए निकल चुके हैं, फटाफट शोरूम में पहुँच गए। इस कार के जिसको जो पिक्स लेके अभी ट्रिप बहुत अच्छी लगी भाई, इस कार से ट्रिप मार दे यार हमने, पिक्स लेके और चलते हैं फटाफट इसको भी सेल लगाएंगे भाई, इस कार से ट्रिप बहुत अच्छी लग रही है, चलते हैं इसको लेके फटाफट सेल होंगे भाई। क्या ट्रिप लगे भाई, भाई ट्रिप बहुत तगड़ी लग रही है इससे, कुछ ज़्यादा ही ट्रिप लग रही है इससे, गेम मार लगे हमारा। चलते हैं हमारे फटाफट लेके से, हम सही तो जा रहे हैं शोरूम की तरफ, हाँ भाई हमसे जा रहे हैं, रेड वन है, रेड भी है तो उनके पीछे छोड़ दी भाई, हम से लेके चलते हैं फटाफट शोरूम में, इसको फिक्स लेके वॉश मशीन करवा के उसको उसको भी सेल पे लगाते हैं। आज के हमारी दो कारें सेल पे लग गई हैं, शायद कोई कस्टमर भी आ चुका होगा तो भाई ड्रिफ्ट दोबारा करके जब मिल गया। ये आई मैं टो ट्रक शोर में भाई गया मेरा बहुत पास है, ये आई मैं शोर में आ चुके हैं। गाड़ी चीज है, कस्टमर खड़ा है यहाँ पे, मैं फटाफट कस्टमर से बात करते हैं, देखते हैं कितने रुपये में ले रहे हैं। 6,000 रुपये हमने डाले थे भाई, गाड़ी जी तो 2,905 रुपये दे दिया है, 5-2 रुपये दे दिया है, क्या करें गाड़ी सेल करें या ना करें? डोंट सेल करते हैं भाई, दूसरे कस्टमर आएंगे उससे तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो गए नहीं। चलो भाई इस कार को भी फटाफट टो करवाते हैं और इसे गैराज पहुँचवाते हैं। गाइस वो अपनी नई कार गैराज पहुँच चुकी होगी, वहाँ रिपेयरिंग हो रही होगी उसकी,
भाई हम गैराज पहुँच चुके हैं, भाई से बात करते हैं उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, भाई से कुछ बैग गिरा हुआ है, फ्रेंड गिरा हुआ है थोड़ा बहुत, फिर मैंने उनसे बात हो चुकी है और अभी हमारे पास उसमें पैसे अवेलेबल नहीं है, फटाफट उस कार को सेल करते हैं और फिर आते हैं इसको फटाफट रिपेयर करवा के इसको भी लगाएंगे वहाँ पे सेल के लिए। भाई कस्टमर आ चुके हैं हमारे यहाँ पे, दो दो कस्टमर आए इस बार के, आप फटाफट चलते हैं फटाफट देखते हैं कितना कितना अमाउंट क्या रहे लोग। पहले इस कस्टमर से बात करते हैं भाई, भाई हमारा 6,000 अमाउंट तक हुआ था, 3,200 कुछ रुपये कह रहे हैं भाई, इसके लिए इनको भी होल्ड करते हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। भाई थोड़ा कम कह रहे हैं उनसे, भाई तीसरा कस्टमर भी आ चुका है, इनसे भी बात कर लेते हैं क्या भाई अच्छा रेट लेते हैं। ये 3,000 कुछ कह रहे हैं भाई, भाई फर्स्ट वाले सही रेट दे रहा था, भाई फर्स्ट वाले के पास ही आ चुके हैं, मैंने क्या रेट दोबारा सुनते हैं क्या सब, भाई 3,256 रुपये दे रहे हैं, इसको सेल कर देते हैं फटाफट। हमने फर्स्ट कार अपनी सेल कर दिया फटाफट जाकर गैराज में, हम अपनी कार को रिपेयरिंग के लिए लगाते हैं, उसको भी ला कर फटाफट सेल के लिए करते हैं। भाई हम गैराज आ चुके हैं, अब भाई को पेमेंट करते हैं फटाफट कार में, एक बार भाई देखे भाई लड़की को सही है इसमें इतना क्या खर्च होता है, आज के लेके चलेगा रिपेयरिंग कराने की जरूरत ही क्या, जो कर देगा वो करा लेगा। अभी हमें चुनने से आए उसको पैसा बचाने की कोशिश करते हैं भाई, ये कभी तो ठुक गई इनसे आ गए यार, ये तो गाइड इनसे आगे ठुक गई यार, आराम से इसको पीछे लेके चलते हैं भाई, इसको ऐसी सेल के लगाते हैं जितना प्रॉफिट हो गया ना, ड्रिफ क्या ड्रिफ कर गया इस कार में, टाइम से शोरूम में लेके आ चुके हैं भाई, हमने इसको लगा दिया है, अब उतर के भाई देखते हैं भाई चलाने में सही लग रही है यार, ज़्यादा बैठे दिन चल रहे हैं, अब इसको भी सेल के लिए डालते हैं भाई फटाफट, टैबलेट निकालते हैं अपना और इसको भी सेल पे डालते हैं, और इस कार से भी फटाफट सामान कमाते हैं, जो हमने अपना टैबलेट निकाल लिया है, इसकी फोटो पहले भाई पुरानी फोटो डिलीट कर लेते हैं, भाई हमने फोटो देखना शुरू कर दी है इसकी, फ्रंट फोटो आ चुकी है भाई, फ्रंट से फोटो ले ली है हमने, इसकी साइड से अभी फोटो ले लेते हैं, फोटो सेव कर लिया हमने। गाइस हमने टैबलेट में अपनी वेबसाइट खोल ली है और इसमें अब अमाउंट डालते भाई 4,000 डालते हैं, 2,000 कुछ रुपये कार कर दिया तो भाई फर्स्ट फोटो ऐड कर दिया हमने, सेकंड भी ऐड कर दिया, थर्ड भी ऐड कर दिया, इसको सेल पे लगा चुके हैं, ये कार भी अपनी आज की दूसरी कार सेल पे जा चुकी है भाई, टैबलेट बंद करके हमने रख दिया है, अब कस्टमर्स का वेट करते हैं, फटाफट कस्टमर्स आए और हम कार बेचेंगे। कस्टमर का बहुत वेट, भाई जब तक कार को साफ कर लेगा तब कस्टमर से आ गए, और डस्ट कितना हो रहा है यहाँ, वो सही किया हमने इसको साफ कर दिया था, क्या बोलते साफ सफाई देखते हुए कस्टमर इसको रेट लगा दीजिए, भाई हमने इस डोर को भी साफ कर दिया है, पिछले डोर को भी साफ कर रहे हैं, पिछले डोर को भी हमने साफ कर दिया भाई, इसका बैग साफ करते हैं, इसका बैग भी साफ कर दिया है, हो गया भाई इसका बैग भी साफ कर ही दिया, इसका बैग भी हमने साफ कर दिया, अब इसका हेड ऊपर की सफाई कर देते हैं इसकी थोड़ी बहुत, इसके ऊपर की भी सफाई कर दिया, उस साइड चलते हैं, उस साइड से करके उसकी सफाई, और इस गेट की भी सफाई कर देते हैं, पीछे वाले गेट की भी सफाई हो चुकी है भाई, फ्रंट गेट कितना गंदा लगा है भाई, फ्रंट गेट की भी सफाई करते हैं, फ्रंट गेट की भी सफाई हो चुकी है, साफ हो चुकी है भाई, कस्टमर आ चुका है फटाफट इसको अंदर रखते हैं और फटाफट कस्टमर से बात करते हैं जाके कितने रुपये कह रहे हैं इस कार के, भाई हमने 4,000 रुपये अमाउंट दिया सही बात है, 2,000 कुछ रुपये कह रही हैं यार, बेचे हैं ना बेचे हैं नहीं बेचते हैं भाई, मैं वेट करवाते हैं तो सेकेंड कस्टमर में, चलो इनसे दोबारा बात करके देखते हैं क्या होता है, अमाउंट ज़्यादा बोल दें भाई, अभी भी वही अमाउंट बोल चुके हो रहे थे यार, ये नहीं थोड़े ज़्यादा करके दे जाने पैसे, चलो भाई अपनी कार को सफाई करते हैं यार, इसको नहीं खड़ा रखते थोड़ी देर, मज़ा आएगा भाई, इसकी हेडलाइट साफ कर लेते हैं थोड़ा देर, हाँ मैंने सफाई होती कार की आप भी देख लो,
जब खरीदोगे ना कार खरीदने लायक होगा जब देख लेना। चलो तो बारह अमाउंट पूछ के देखते हैं इनसे। भाई हमारा 4000 अमाउंट रे भाई, अभी भी मना कर दिया, डोंट सेल, जा जा रहे हैं, जाओ अपना काम करो, मैं आपके बस की बात नहीं है कार खरीदने, जाओ थोड़ी देर पैसे लेकर जब कार खरीदने मैम प्लीज़। भाई चलते हैं बाहर घूमते थोड़ा बहुत, क्योंकि कस्टमर तो बहुत देर देर से आ रहे हैं यार, अभी कोई कस्टमर है नहीं हमारे आस पास, फटाफट कस्टमर आ जाए तो भाई हम फटाफट सेल करें इसे और चले अपनी और कार लेते हैं और उन्हें भी सेल पे लगाएं। इस बार वेट कर सकते हैं, कार ले जाएंगे जैसे मेरे भाई, दूर दूर तक कोई कस्टमर नहीं दिख रहा यार, इतना क्या यार, ऑफिस में थोड़ा वेट करते हैं कस्टमर का, शायद कोई कस्टमर आ ही जाए। भाई कस्टमर आ गया, चलो चलते हैं इनसे बात करते हैं कितने रुपये देंगे। चलो पहले ऑफिस में देखते हैं भाई, कुछ छूट वूट तो नहीं है अपना, भाई डस्टिंग ले लो, ऑफिस की सफाई कर लेते हैं भाई, कस्टमर को थोड़ा वेट करवाते हैं भाई, कस्टमर थोड़ा वेट करेगा तो क्या बंदा खड़े खड़े कार को देख ले, जब तक बंदा कार देख रहा है तब हम ऑफिस की सफाई कर लेते हैं भाई। भाई अब डस्टर बंदा रखता है, चलते कस्टमर से बात कर लेंगे, बहुत देर से कार देख ली हमने। हेलो भाई कितना कह रहा भाई ये, चलो भाई पहली वाली से भी ज़्यादा ही कह रहा है, उसको सेल करते हैं, चलते दूसरी कार ले जाते हैं, क्योंकि आज हमें कम से कम 3 कार्स तो बेचनी है भाई। भाई हम आ चुके हैं कार मार्केट, कार मार्केट में दोबारा आ चुके हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं कह रहे मिलते, फिर भी अरे हम भाई आ रहा है देखने में कार से। भाई मस्टैंग GT, भाई पुराने पुराने मॉडल्स की कार है यार यहाँ पे। भाई ये 18000 बहुत महंगी कह रही है यार ये, भाई इनसे बात करते हैं, ये 8000 कुछ कह रही है भाई यार, हम तो पैसे नहीं है, 7000 5832 ही है हम तो, इनसे बात करते हैं भाई, तो 22000 कह रहे हैं इसका 18000। गाइस चलते हैं इनसे बात करते हैं, अरे कुछ नहीं कार मार्केट बंद हो चुका है यार, अब रात हो चुकी है, अपने तो टाउट चलते हैं ऑफिस बंद करते हैं और चलते हैं अपना आज का डे की कलेक्शन अलेक्शन देखेंगे अपना ऑफिस में, वहाँ पे सोएंगे घर पे कंटेनर में, एक छोटे से गरीब कंटेनर में सोएंगे हम, और वहाँ पे सो के भाई अपना देखेंगे आज की कलेक्शन कितनी है भाई। आज हमारा टारगेट था 3 का भाई, चलो नहीं रेट पैक हो गई, आज हमने फिर भी 2 कारें बेची, वो भी बड़ी बात है भाई। चलते हैं अपने कंटेनर में, छोटे से कंटेनर में बिजनेस होते हैं यार आज का, देखते हैं भाई आज हम प्रॉफिट में या लॉस में। भाई आज हम $3,339 के प्रॉफिट में आए, बहुत अच्छा भाई, चलो नेक्स्ट डे करते हैं फटाफट, चलते हैं अगले। भाई हमारा थर्ड डे स्टार्ट हो चुका है वेनसडे, 7:04 भाई, चलते हैं फटाफट अपने ऑफिस, नहीं भाई पहले चलते हैं मार्केट, कार्स लेके आते हैं भाई, कार मार्केट में बहुत महंगे होते हैं कार, एक बार रेडी चलते हैं, एक बार रेड में कार लेके आते हैं, फिर चलेंगे अपना ऑफिस, ऑफिस में कार को सेल पे लगाएंगे, फिर ऑफिस में खोलेंगे अपना। भाई इनसे बात करते हैं कितना कह रहे हैं। हेलो भाई, भाई तो बहुत महंगे कह रहे हैं, 8000 कह रहे हैं, यहाँ अपनी बात नहीं बन पाएगी, चलो सेकेंड पर्सन के पास चलते हैं। भाई दूसरे पर्सन के पास आ चुके हैं, इससे बात करते हैं, 27000 भाई तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे भाई, कार मेरे मार्केट वाले से मिल गए क्या, इतनी महंगी महंगी कारें बेच रहे थे अभी अभी तक तो सस्ती बेच रहे थे अभी। भाई इनसे बात करते हैं, ये भाई 20000 भाई बहुत महंगी कर दी इन लोगों ने कार यार, चलते हैं अंदर की तरफ, थोड़ा अंदर की तरफ चल के बातचीत करते हैं, देखते हैं कोई कार मिल जाए सस्ते में हमें। भाई जी हम अंदर की तरफ आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं, ये मैम क्या कह रही हैं, कितने रुपए कह रही हैं अपनी कार के, ये 10000 कह रही हैं भाई, ये बहुत महंगा अभी भी, बराबर चलते हैं और चलते हैं भाई, कार नहीं मिलेगी क्या कोई आज यार, ट्रक खड़ी है, ट्रक तो लेना नहीं मिल जाता भाई, कार तो कोई दिखी मुझे, ट्रक ही दिख रही है भाई, ट्रक को लेके देखे क्या, चलते ट्रक का मांग पूछते हैं भाई। हेलो सर, ट्रक का अमाउंट भाई 5534,
मैं खरीद लेता हूँ, यही सब सस्ते मिल रहा है, तो लेके चलते फटाफट अपने जरा शोरूम इसे लगाते हैं सेल के लिए भाई, कुछ आज का दिन बेनिफिट हो जाए हमारा। दिमाग देख रही है यार बहुत ज़्यादा ही। चलो इसे लेके चलते हैं भाई अपने शोरूम। ओ भाई ओ भाई आराम से यार ट्रक है भाई, कुछ तो इज्जत करो उसकी यार भाई, पक्की तो कोई इज्जत ही नहीं कर रहे लोग, ऐसे ठोक के लेके जा रहे हैं इसको। ये भाई बहुत एक्सीडेंट हो गया इस ट्रक को तो यार, रोड छोटे भाई ट्रक बड़ा है अपना, ऑफ रोडिंग ही करते हैं इससे भाई। ये क्या इसके ऊपर जो सारे में भाई बहुत खर्चा बैठ जाएगा रिपेयरिंग का हमारा, साइड से लेके चलते हैं घर पर भाई। हम साइड से निकल चुके हैं, अपना ऑफिस क्लोज बता रहा है, फटाफट चलते हैं अपने ऑफिस खोलते हैं और अपने ऑफिस पे इसको सेल गेट लगाते हैं। ये आज आज की हमारी पहली गाड़ी है जिसे हम सेल गेट लगाने जाएंगे। गाइस हम इसे शोरूम पे लेके आ चुके हैं, इसको पहले गैराज में लेके चले गए और इतने पैसे तो बचे नहीं हम, तो इसको शोरूम पे लगाते हैं, इसको खुद ही साफ करेंगे थोड़ी देर से, इसको सेल पे लगाएंगे भाई। बड़ी गाड़ी है यार, शोरूम में आएगी तो कचरा कौन करके चला गया, इस कचरे को भी साफ करना पड़ेगा भाई। इधर आराम से ये हमने लगा दिया, ये बाहर आ चुके हैं भाई, पूरा अंदर बैठ के देख लिया भाई, लुक तो अंदर से अच्छा आ रहा है। इसको उठाते हैं भाई, इसको डस्टबिन में डालते हैं फटाफट, इसको डस्टबिन में डाल दिया हमने। अब अपने ऑफिस को ओपन करते हैं फटाफट और कस्टमर्स के आने का वेट करते हैं। पहले भाई इसे सेल पे लगा लेते हैं फटाफट, अपना टैबलेट निकालते हैं, इसकी फ़ोटोज़ खींचते हैं और इसको सेल पे लगाते हैं पहले भाई। पिक्चर पहले पुरानी फ़ोटोज़ को डिलीट कर लेते हैं फटाफट भाई, हमने डिलीट कर लिया पुरानी फ़ोटोज़ भाई, पहले इसकी सफाई कर लेते हैं थोड़ी, फ़ोटो में साफ़ आनी चाहिए गाड़ी अपनी, फिर इसको सेल पे लगाएंगे, फिर ऑफिस फटाफट खोलेंगे फिर अपना। भाई फ्रंट हमने साफ कर दिया है, साइड से देखते हैं भाई, डोर से बहुत गंदे हो रहे हैं इसलिए यार डोर साफ करते हैं पहले भाई। डोर भी साफ हो चुका है, साइड साफ करते हैं भाई, बोला कंटेनर इसका जो है साफ है भाई, वो तो बैक साफ करते हैं इसका, बैक गंदा खड़ा भाई, बैक डोर बहुत गंदे हैं भाई, अब साफ हो चुके भाई बैक डोर भी। और इस साइड से देखते हैं भाई, साफ लग रही है यार इधर से तो भाई, डोर गंदा है, डोर साफ कर लेते हैं भाई। भाई डोर भी साफ हो चुका है, ऊपर का शीशा साफ कर देते हैं भाई, भाई शीशे साफ हो चुके हैं। अब देखे इधर उधर से कार कहीं गंदी लग रही है भाई, उधर मार के देख लेते हैं कार गंदी हो रही है भाई, अब कार गंदी नहीं लग रही है। ये ट्रक सॉरी गाइस, कार बोल बोल के कार याद आ रहा है, काम है ऑफिस अपना ओपन कर दिया है फटाफट, इसको सेल पे लगाते हैं। टैबलेट ओपन कर लिया हमने गाइस, ये हमने रैप पे ऑन कर दिया है, इसमें अमाउंट डाल लेते हैं अपना, अमाउंट हम अपना डालेंगे प्रोक्स। हमने भाई खरीदी थी इससे 5,000 कुछ रुपये की, छः नहीं यार 7 डालते हैं, 7,000 डालेंगे इसका अमाउंट, 7,000 हमने अमाउंट डाल दिया भाई। फोटोज़ ऐड कर देते हैं भाई, इसमें तो फोटोज़ पहले से पड़ी हैं इसकी यार, चलो इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट फोटोज़ को, शायद इस टैबलेट में हमारी फ़ोटोज़ पहले से हैं भाई, हमने इसको ऐड कर दिया सेल के लिए। हमारा ऑफिस भी, ऑफिस क्लोज है यार, ऑफिस को ओपन कर लेते हैं फटाफट, ऑफिस ओपन हो चुका है अपना भाई। कंप्यूटर बहुत दिन हो, कंप्यूटर चला अपना, कंप्यूटर को देखते हैं यार भाई, वही चीज़ अपना जो टैबलेट में है। चलो बाहर चलते हैं, इसको बंद करते हैं भाई, कंप्यूटर में भी अपने बैटरी भी लगाना भाई, पहला कस्टमर भी आ गया इसका बहुत जल्दी यार भाई, कहाँ जा रहा है, इसके पीछे जाकर छुट जाएगा क्या भाई, तो ऐसे निकला ही नहीं भाई। अच्छा से बात करते हैं, हेलो सर, 7,000 हमने सर भाई रखा था, ये 5,400 दे रहे हैं, 5,400 भी हमारा प्रॉफिट का ही है, सेल कर दे क्या, सेल करे ना करे भाई। चलो भाई सेल नहीं करते, पहले ही कस्टमर है, दूसरे कस्टमर का वेट करते हैं, देखते हैं कितना दे रहा है, फिर हिसाब से देखेंगे सेल करना है नहीं करना है। तो थोड़ी सफाई कर लेता भाई, जैसे गंदी हो चुकी है अपनी कार, अपनी ट्रक ये क्या, जब नहीं जैसे साफ कर दिया, डोर के पास आ चुके हैं, डोर की भी सफाई कर देते हैं थोड़ी, डोर भी थोड़ा गंदा लग रहा है, ये डोर भी भाई हमने साफ कर दिया है,
इधर से लूट लेते हैं, इधर से साफ है, इधर भी गंदा थोड़ा, इधर भी साफ कर लेते हैं। अरे अपना सफाई काम चल रहा है, फटाफट बस कस्टमर आ जाए कोई कुछ सेवल करे। ये गाइस हमने इसकी सफाई कर लिया, अभी साइड आके देखते हैं कहीं इधर से गंदा तो नहीं है भाई। डोर गंदा है, डोर की सफाई कर दें फटाफट भाई। मेरी डोर की भी सफाई कर ली है, ऊपर तो हम चढ़ नहीं सकते यार, साइड से देख लेते हैं कहीं गंदा तो नहीं है भाई। बैक डोर भी गंदा, बैक डोर की सफाई कर लेते हैं थोड़ा। एक बैक डोर भी साफ हो चुका है, गाइस हम कार की पूरी सफाई खत्म कर चुके हैं, कस्टमर भी आ चुका है, बस कस्टमर से बात करते हैं, देखते हैं कितने रुपए में लेने के लिए तैयार है भाई। 5,571 का आ रहा है भाई, सेल करते हैं फटाफट, चलते हैं दूसरी कार लेने। भाई बार्गेन तो मैं भी कर नहीं सकते, तो इसे सेल ही करते हैं फटाफट। ये क्या यार, दूसरा कस्टमर भी था, इससे बात करनी चाहिए यार, हमें ध्यान नहीं दिया, छोड़ो कोई नहीं गाइस, हमने सेल कर चुके हैं, अब अपना ऑफिस क्लोज करते हैं और अब चलते हैं अपना फटाफट मार्केट या नेबरहुड, फटाफट दूसरी कार लेके आते हैं, आज की दूसरी कार सेल करते हैं। भाई नेबरहुड पहुँच चुके हैं, कार मार्केट में यार बहुत महंगे होते हैं सारे, वहाँ से तो खरीद नहीं सकते यार, अपने शॉप क्लोज करके आए हैं अभी, क्योंकि कोई कार है ही नहीं यार, कभी क्या होगा वहाँ दिखेगा ही कुछ। भाई इनसे बात करते हैं और देख पूछते हैं कितने रुपये कह रहे हैं, ऐवें क्या कह रहा भाई, अमाउंट बता भाई। तो बहुत बजट से बाहर था यार, इससे बात करते भाई, छोटे छोटे बच्चे ही बेचते हैं कार यहाँ पे, बाप की कार चुरा के ला के बेच जाएगा भाई। भाई बहुत सस्ती बेच रहा है, सच्ची में बाप की कार बेच रहा लग रहा भाई, फटाफट इसको खरीद लिया हमने, चलते हैं यहाँ से। क्या भाई, अरे परचेज नहीं भाई, इससे बात करते भाई, सॉरी सॉरी, अब परचेज कर लिया हमने भाई, ये बाय कर चुके हैं इसे भाई, फर्स्ट टाइम भाई गलती से बाय का ऑप्शन नहीं दबा हुआ, इसलिए बाय नहीं हो पाई, हम इससे बाय कर चुके हैं, इसे लेके चलते हैं फिर और देखते हुए चलेंगे कहीं आसपास कोई दूसरी कार मिल जाए तो उसे भी परचेज कर लेंगे भाई। चल तो मक्खन सी एकदम भाई, सच्ची में लग रहा है, मैंने बाप की कार ला कर सस्ते में बेच दिया, मेरे को खराबी लग नहीं थी। भाई से ले के चलते फटाफट अपलोडिंग करते हैं अपने शोरूम पे, आई इनसे कुछ एड सुबह अपने अपलोड दिखाए। भाई ये कौन सी हवाई जहाज उड़ रही थी यार, अभी टकरा जाती है हमसे, बच गए कोई नहीं गाइस। ये हम रोड पे आ चुके हैं भाई, चलो भाई रोड पे चलते हैं फटाफट, इस रोड से सीधा नहीं जाना है, उसको तो पास नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है अब। भाई जो रहा पेट्रोल पम्प दिख गया हमें, ये अपना ऑटो ट्रक और ये आ गया अपना शोरूम, ये अपना शोरूम गाइस, इसको पहले लेके चलते भाई गैराज में, इसको रिपेयर करवा दे क्योंकि अपने पास बहुत पैसा है, रिपेयरिंग कराने लायक पैसा है अपने पास, इस बार हर बार तो रिपेयरिंग के लिए पैसे भी नहीं बचते थे यार। अरे दो दो कारें लगी हुई हैं रिपेयरिंग पे यहाँ पे किसी की, यार कब तक खाली होगा ये, भाई खाली हो चुके हैं, चलो फटाफट इन्हें देते हैं फिर इनसे बात करते हैं कि कितने तो में भाई रिपेयर होगी। भाई लग चुकी है रिपेयरिंग के लिए, इनसे अमाउंट पूछते भाई $1,000 सीधा, भाई इसमें रिपेयरिंग में तो बहुत खर्चा लग रहा है भाई, तो रिपेयर करवाते हैं, रिपेयर तो करानी पड़ेगी कि बहुत खराब लग रही है भाई, इससे हम ऑफ रोडिंग में कराई इतनी सारी। भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं, उस भाई से बात करते हैं, ऐसे नजर होते हैं कुछ नहीं होगा जब तक रिपेयर हो रही है, चलते हैं मजे लेते हैं इधर से। मैं भिखारी बैठा था, जब बैठी मेरा भिखारी भी यहाँ पे, उसे ही पता चल गया कुछ नहीं मिलने वाला उसे। भाई ये कार अपनी रिपेयर करने में लग चुके हैं, रिपेयर कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी वेल्डिंग कर रहे हैं भाई, नीचे से चिंगारी इतनी फेंक रही है, ऊपर से ख़राब थी नीचे से रिपेयरिंग कर रहा है, कोई नहीं गाइस मैकेनिक को काम करने देते हैं, अपना बीच में पैर नहीं आते, पता नहीं गाइस कब तक रिपेयर करेगा यार ये, फटाफट रिपेयर करें, हमारी शॉप भी बंद है इतने टाइम से, शॉप खोले फिर हम
रिपेयरिंग तो बहुत जोर शोरों पर चल रही है, अब देखते हैं फटाफट जल्द रिपेयर हो जाए तो हमारी वो शॉप खोली जा कर। भाई रिपेयरिंग का काम लगभग लग रहा ख़त्म ही हो गया है क्योंकि चिंगारी काम आना शुरू हो गया है। ये रिपेयरिंग का काम ख़त्म हो चुका है भाई, गाड़ी को नीचे ला रहा है। बस कार को बैक लेते हैं फटाफट, बाहर निकालते हैं उसे लेके चलते हैं शोरूम की तरफ। भाई हमने कर लिए बैक, ये बाहर आ चुके हैं अपनी कार और इसे लेके चलते हैं फटाफट शोरूम की तरफ ऐसे बैक करके। हम रोड पे ला चुके हैं इसको फटाफट शोरूम पे लेके जाते हैं, इधर मोर्चर इसे बैक करके लगाते हैं फटाफट शोरूम पे। भाई हमने कार खड़ी कर दी और ये हम बाहर आ चुके हैं। मैं कार में बैठ के एक बार और देख लेते हैं कुछ अंदर से ठीक हो गया कि नहीं, अंदर से भी सब ठीक लग रहा है। मैं कार अभी ठीक हो चुकी है, अब इसे पहले साफ सुफ कर लेते हैं थोड़ा, इसकी फ़ोटो खींच के फिर पर आदमी की सारे सेल के लिए। भाई आगे साफ हो रही है, मेरे कार तो बहुत गंदा यार इसका हो गया। ये आगे साफ हो चुके हैं गाइस, इसके डोर साफ कर लेते हैं थोड़े, इसके डोर्स भी बहुत गंदे हो रहे हैं। इसका फ्रंट डोर तो भाई साफ हो चुका है, सेकंड डोर को कर लेते हैं पीछे वाले। गाइस पिछला डोर भी अपना साफ हो चुका है। ये क्या भाई क्या निकल रहा है भाई साइलेंसर से इतना बाहर आने को लगा, किसी का पैर आ रहा है भाई बाहर। भाई अपनी रात भी हो चुकी है, अब चलाना पड़ेगा यार, इसकी सफाई पूरी करके भाई ऑफिस अपना क्लोज है ही, चलते हैं घर। कल आगे इसको सेल करेंगे, फर्स्ट का हमारा यही रहेगा इसको फटाफट सेल करना। भाई इधर का बैक डोर भी साफ हो चुका है, आगे का फ्रंट डोर साफ कर लेते हैं। फ्रंट डोर भी साफ हो चुका है, वहाँ ऊपर का भी साफ कर लेते हैं भाई रूफ। भाई रूफ भी बहुत गंदी हो गई है यार, अभी रूफ भी साफ हो चुकी है। हम कार को अपना पूरा ढंग से देख लेते हैं भाई, हाँ भाई सब सही है, अपनी शॉप भी क्लोज है, ऑफिस भी शोरूम क्लोज है, तो डस्टर अंदर रखते हैं, चलते हैं फटाफट कंटेनर की तरफ। भाई कंटेनर पहुँच चुके हैं, आज का देखते हैं भाई कितना सील हुआ है नहीं हुआ। भाई हम आ चुके हैं, आज हमारा भाई 3,082 डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ है। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड, थर्ड एपिसोड में।